why weekends should be longer. We have all experienced the Monday's blues when we just don't feel like going to school on Monday morning. So basically in this we have to tell about the why weekends should be longer. We should give some reasons why like this weekend should be extended. Clear? तो author कहता है कि आप सभी ने मंडे ब्लूज को एक्सपीरियंस किया होगा, फील किया होगा. मंडे ब्लू होता है, मंडे ब्लूज होता है मंडे की उदासी, राइट? जिस तरह हम सैटरडे और संडे की हमें ऑफ मिलता है, यूजली हमें संडे का ऑफ मिलता है, हम स्कूल में जाते हैं, तो मंडे को हमारा स्कूल में जाने का दिल नहीं करता, मन नहीं करता. तो उसी सेंस को, उसी फीलिंग को बोलते हैं मंडे ब्लूज, राइट? So, उत्तर कहता है वी हैव ऑल एक्सपीरियंस द मंडे मंडे ब्लू ब्लू सॉरी व्हेन वी जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल ऑन अ मंडे मॉर्निंग. तो मंडे ब्लूज को सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम मंडे को, मंडे की मॉर्निंग को स्कूल में जाना पसंद नहीं करते हैं. द वीक अहेड सीम्स वेरी लॉन्ग एंड टायरसम बिफोर द नेक्स्ट वीक. जो नेक्स्ट वीक आने वाला होता है वो हमें ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा थकाने वाला है, बहुत ज्यादा लंबा होगा. मंडे को हमें ऐसा फील होता है. वी हैव टू लिटरली फोर्स आवरसेल्व्स आउट ऑफ द बेड टू गेट रेडी फॉर स्कूल व्हाइल द ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ अ गुड एक्सक्यूज टू स्टे एट होम. जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता स्कूल जाने का या कुछ काम करने का, अपने काम पे जाने का. हम अपने आप को फोर्स करते हैं अपने बेड से उठाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और हमारा ब्रेन जो होता है उस समय लगातार ये सोच रहा होता है कि क्या बहाना बनाऊं कि जिसकी वजह से मैं घर पे रह पाऊं. वन वंडर्स हाउ द वीकेंड पासेस अवे सो क्विकली विदाउट गिविंग अस इनफ टाइम फॉर रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन. तो हम सभी इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारा जो वीकेंड होता है, यानी वीकेंड का मतलब सप्ताह के लास्ट के दिन, यानी कि सैटरडे और संडे. तो उत्तर कहते हैं कि हम सभी इस बात पे आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारा वीकेंड कैसे फटाफट खत्म हो जाता है. हमने कोई रिलैक्सेशन भी नहीं किया होता, अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया होता, आराम भी नहीं किया होता, तो हमारा वीकेंड कैसे फटाफट खत्म हो जाता है. हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ द वीकेंड्स बिगन ऑन फ्राइडे एंड स्कूल डेज वर ओनली मंडे टू थर्सडे. तो उत्तर कहता है कि कितना अच्छा होगा कि अगर हमारे जो वीकेंड है, यानी कि सप्ताह के जो लास्ट दिन है जिसको हम छुट्टियों के दिन बोलते हैं, यानी कि यूजफुली सैटरडे और संडे को ऑफ होता है. तो उत्तर कहता है कि कितना अच्छा होगा अगर हमारा वीकेंड स्टार्ट होगा फ्राइडे से ही, यानी कि हमारी फ्राइडे, हर वीक में फ्राइडे, सैटरडे और संडे को अगर हमारा ऑफ हो स्कूल से तो कितना अच्छा होगा, और स्कूल के डे सिर्फ चार दिन हो मंडे से थर्सडे तक. Most of us would not mind if the school hours will extend it by an hour or two to have sufficient time for completing the syllabus. तो फिर और उत्तर कहता है कि हम सभी में से कोई भी इस बात को mind नहीं करेगा कि अगर हमारे school के hours को बढ़ा भी दिया जाए, यानी कि एक घंटा या दो घंटा school के जो hours हैं, टाइमिंग है, वो बढ़ा दी जाए, तो हम कोई भी हम में से माइंड नहीं करेगा क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, परंतु हमें हमारा जो वीकेंड है वो हमारा फ्राइडे से स्टार्ट होना चाहिए. बट वन एक्स्ट्रा डे एट होम वुड मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. प्रोत्र कहता है कि हमें आधे घंटे से, एक घंटे से, दो घंटे से हमारा टाइम बढ़ जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु एक दिन है जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, छुट्टी का हमें एक दिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा. वी वुड हैव एम्पल टाइम टू कंप्लीट आवर होमवर्क, वर्क ऑन स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड प्रिपेयर फॉर टेस्ट. तो उसकी वजह से, तीन दिन हॉलीडेज होने की वजह से हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा अपना होमवर्क पूरा करने के लिए, अपने जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे स्कूल से या हमें टेस्ट की जो प्रिपरेशन करनी होगी उनके लिए बहुत सही टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा. वी कुड इजली फाइंड टाइम टू गो आउट विद द फैमिली और स्पेंड मोर टाइम विद देम एट होम. तो इसकी वजह से लास्ट में तीन दिन हॉलीडेज होने की वजह से वीक में तो हमें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कि हम अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, बाहर घूमने के लिए जा सके, घर के काम कर सके.
वी वुड ऑल्सो बी एबल टू परस्यू आर हॉबीज, और हम अपनी हॉबीज को भी परस्यू कर पाएंगे, यानी अपनी हॉबीज को भी फॉलो कर पाएंगे. एंड एक्वायर मोर स्किल्स, और मोर स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे. दोज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स कुड डिवोट मोर टाइम टू प्रैक्टिस एंड फिटनेस. ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे पर्सन जो स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, कम छुट्टियां होने की वजह से, कम फ्री टाइम होने की वजह से वो उसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते. परंतु अगर ऐसा हो जाता है कि वीक में 3 दिन हमें हॉलीडेज मिलती हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे को, तो वो जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो ज्यादा टाइम दे पाएंगे अपनी फिटनेस को और अपनी प्रैक्टिस को. अ लॉन्गर वीकेंड वुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. जो ये ज्यादा लंबा वीकेंड होगा ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, सभी को बेनिफिट देने वाला होगा. Teachers would have also enough time to prepare lessons, check assignments, and enjoy themselves with their families. तो फिर उत्तर कहता है कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर भी इस टाइम को ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे. इस टाइम की वजह से वो अपने लेसन्स को प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से, असाइनमेंट्स को चेक कर पाएंगे और अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे, फैमिली के साथ इंजॉय कर पाएंगे. The large number of household chores and long to-do list could be completed easily. तो घर के जो बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, तो टीचर्स वो भी काम कर पाएंगे, स्टूडेंट्स वो भी काम कर पाएंगे अगर हमारी छुट्टियां, अगर हमारे वीकेंड एक्सटेंड कर दिए जाते हैं. Also, with schools closed for 3 days, there would be less traffic on roads during the weekend. तो फिर ऑथर एक और बेनिफिट बताता है इसका कि अगर 3 दिन के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, वीकेंड्स हमारा बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रोड पे ट्रैफिक भी कम होगा, राइट. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी रिड्यूस्ड. उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट की हमारी कॉस्ट आती है, हमें जो ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कॉस्ट लगती है हमारी, वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके पैसे हमारे कम लगेंगे. As for the schools, there would be a reduction in the power bills and the overall cost of running and maintaining the premises. और इसके अलावा फिर उत्तर कहते हैं कि और भी कुछ फायदे होंगे कि हम उसकी वजह से बिल में रिडक्शन आएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसमें पावर कम कंज्यूम होगी, पावर कम यूज होगी, क्योंकि 3 दिन छुट्टियां होंगी, 1 दिन छुट्टियां बढ़ गई है, और जो ओवरऑल रनिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट होगी हमारे स्कूल को संभालने के लिए वो भी कम हो जाएगी. दस It would be a win-win situation for all. तो इसके लिए, इससे ये सभी के लिए beneficial situation होगी. अगर ऐसा होता है तो सभी को इसमें फायदा होगा, right? So this is all about this essay. Dear students, this essay you have to learn, you have to do practice, and practice you have to do in your practice notebook. Okay? Why weekends should be longer? So basically, in this essay, author has told us what are the weekends and what are the benefits if weekend is extended. And in the last, he has mentioned the conclusion. So in this way, we have to write any essay. Clear? Now let's come on the next chapter of our grammar book, that is subject verb agreement. Please wait a while. Let me come on the chapter. That is chapter number 21, subject verb agreement. This chapter we have to study, dear students, subject verb agreement. Let's understand. A verb must agree with its subject in number. A scientist discover new facts. Scientists discover new facts. So dear students, in English it happens. Basically, we use in a sentence, first of all, we use subject and after that we use verb. So whenever we use subject and verb, so there should be a condition. Subject should agree with verb or verb should agree with the subject. जब कभी भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को और वर्ब को यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी होती है. सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से अग्री करने चाहिए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर मेंशन करनी होती है. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल मेंशन करनी.
right? I think everyone knows that what is singular and what is plural. Singular means related to one. अगर कोई चीज एक हो तो वो singular होती है, एक से ज्यादा हो तो वो क्या होती है, plural होती है. Suppose I say that pen, that is I'm talking about a single pen, means that is singular. But if I say pens, that is plural. If I say bus, that is singular. If I say buses, that is plural. So in the same way, in the verb form, I'm talking about the first form of the verb, there is a singular form and there is a plural form. तो verb की जो forms होती हैं, उसमें भी singular या plural forms होती हैं. Verb की जो root form होती है, verb की जो base form होती है, उस form को बोलते हैं हम verb की plural form. Verb में उल्टा होता है, verb में s या es add करने से verb जो होती है वो plural से singular बनती है. Okay, so whenever we add the s or es in the verb, that becomes plural to singular, not singular to plural. Like it happens, like we, which type it happens in the noun, or we can say in the subject. इस तरह subject में होता है कि हमने s add कर दिया या es add कर दिया noun के साथ, तो बन गए singular से plural. परंतु verb के साथ उल्टा होता है, verb के साथ s या es add करने से वो बनती है plural से singular. जैसे हम बोलते हैं discover. Sorry, discovers बोलता हूँ मैं, discovers. You can see that s is mentioned here. So that is the singular verb. Why? Because after adding s, it becomes singular. But see, without s or es, that verb is root form. Or also we can say it the plural form of the verb. Plural form, we can say. It's a plural form and it is the singular form. Clear? ये हमारी plural form है, ये हमारी singular form. तो होता क्या है? So according to subject, we have to fill the verb. If subject is singular, we need to fill singular verb. If subject is plural, we need to fill plural verb. Like, right? Like which type in Hindi we say that? Can we say in this way? Like Mohit school jaate hain. Mohit school jaate hain. We should not say like in this way. We should say like in this way. Mohit school jaata hai. Right? And can I say in this way, Mohit and Rohit school jata hai? No, I think we can't say. We can say Mohit and Rohit school jate hain, not Mohit and Rohit school jata hai. So in the same way, the subject or like verb should agree with each other. Okay? That's called subject verb agreement. Subject ka verb se agree hona hi subject verb agreement kehlata hai. Okay, in the sentence one, the subject scientist is the singular number, so the verb discovers is also in the singular. In the sentence two, the subject scientists in a plural number, so the verb discover in is all in the plural. So same thing I have told you, according to subject we need to fill the verb. B point, a verb must agree with its subject in person. To jo verb hai wo uske person ke according usse agree honi chahiye. Jaise I am happy. तो हमें पता है कि I के साथ am use करते हैं. He is happy. तो he क्या है? वो singular है. तो उसके साथ हमने singular verb use करी है. तो एक और बात ध्यान रखना बच्चों कि जिस verb के साथ s आता है last में, यानी कि s ending verbs जो होती हैं, those verbs are called usually singular. ऐसी verbs जिनके साथ s होता है, वो singular में count होती हैं. जैसे is, जैसे was, जैसे has, like, does, plays, goes. So s ending verbs are usually called in singular form. In the sentence one, the verb am agrees with the subject I. In sentence two, the verb is agrees with the subject he. Same thing I have told you. Subject singular, singular verb, subject plural. So then we have to put the plural verb. The verb may also change its form according to the person or subject. Same thing. Verb far removed from the subject. Usually the verb is placed very close to its subject, so we can easily ensure that the two agrees with each other, but we have to be careful in use of the verb for if it is far removed from its subject. The condition of these books is not good. So dear students, kabhi kabhi kya hota hai ki jo subject diya hota hai sentence ke andar, wo verb ke saath nahi hota. Right? तो उस कंडीशन में हमें पहचानना होता है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हमारे सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं. राइट? तो वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है.
Like you can see that in this example, what is written here? The condition of these books is not good. तो books लिखा है उसके according में are आना चाहिए परंतु यहाँ पे is लिखा हुआ है हमने परंतु is ही ठीक है. Why? Because हमारा जो subject है वो these books नहीं है. वो हमारा subject है condition. Main subject क्या है हमारा condition. The condition of these books. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बुक्स की कंडीशन की बात कर रहे हैं. द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स इज नॉट गुड. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कंडीशन, नॉट दीज बुक्स, राइट? सो कंडीशन इज सिंगुलर, सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव फिल्ड हियर सिंगुलर वर्ब, राइट? तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि यूजफुली क्या होता है, जो वर्ब होती है उसी के साथ में हमारा सब्जेक्ट मेंशन होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट उससे दूर होता है. तो हमें उस कंडीशन में पहचानना होता है कि हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है. वो सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर फील करो, वो प्लूरल है तो वो भी प्लूरल फील करो. सो वेरी सिंपल, इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज कंडीशन एंड नॉट बुक्स, सो द वर्ब इज अग्रीज विद द सब्जेक्ट कंडीशन, राइट? द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू. कम ऑन द डी पॉइंट, introductory there. Normally subject is placed before the verb, but in sentences beginning with the there, the real subject is placed after the verb. So we have to be careful in the use of the verb. So what happens, dear students, whenever we use the there word in the introductory subject, jab kabhi hum there word ko use karte hain introductory subject ke roop mein, introductory subject ka matlab hota hai ki wahan pe jo subject use hota hai wo there ko use kar liya jata hai, parantu wo real subject nahi hota. Real subject verb ke baad use kiya jata hai. Jaise ki there are 7 players in the Okay, so I was saying to you, जब कभी हम सेंटेंस में देयर वर्ड को यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, वहां पे देयर का कोई मीनिंग नहीं होता. जस्ट सेंटेंस को सेंस देने के लिए हम देयर को यूज कर लेते हैं. जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद वाला होता है, देयर हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता. लाइक देयर आर 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम, सो व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? 11 प्लेयर्स. So players are our subject, that is plural. So that's why we have used here are, right? See the next sentence. There is no student in the room. So what is the main subject? That is student. So according to the student, we have filled here is, right? So according to the subject, we have to fill. But whenever we use there as a subject in introductory subject, so there is not real subject. Real subject is that after the verb. Clear? E point. Two singular subjects join with and. If the subject consists of two or more singular nouns or pronouns joined with and it takes a plural verb, like Rekha and Madhu are sisters. He and I were present in the meeting. तो जब कभी सेंटेंस में दो वर्ड एंड से जुड़ जाएं तो वो क्या बन जाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं. जैसे रेखा सिंगुलर है, एक नेम है, और मधु भी एक नेम है, सिंगुलर है, परंतु एंड से जुड़ने के बाद वो क्या बन गए हैं? प्लूरल बन गए. लाइक रेखा एंड मधु आर सिस्टर्स, ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द मीटिंग. सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वन पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर देन वन पर्सन. दैट्स व्हाई दिस प्रोनाउंस और दिस नाउंस हैव बिकम प्लूरल, राइट? इफ द टू नाउंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर, लाइक द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर. तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हम एंड से दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, तो अगर वो दोनों ही वर्ड्स किसी एक पर्सन को डिनोट करते हो, किसी एक पर्सन के बारे में ही लिखे हो, राइट? तो वो जो वर्ब उसके बाद आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि वो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा. कैसे? सपोज हियर रिटन दैट इज, यू कैन सी दैट हियर द पोएट एंड द नोवेलिस्ट इज नो मोर. जो पोएट है और नोवेलिस्ट है वो अब नहीं रहा. तो जो पोएट और नोवेलिस्ट कोई दो अलग अलग पर्सन नहीं है, वो एक ही पर्सन है. दा देखो एक के बाद ही लिखा हुआ है, क्योंकि दा दोनों के लिए यूज किया गया है, राइट? तो दोनों ही पर्सन एक ही हैं. द पोएट एंड नोवेलिस्ट जो भी पर्सन है वो एक ही पर्सन है, इज नो मोर. द सेम पर्सन इज द पोएट एंड एज वेल एज अ नोवेलिस्ट.
The producer and director of this movie is an eminent social worker. So producer और so और director जो है वो एक ही person है, अलग अलग person नहीं है, इसलिए वहां पे हमने is use किया है, are नहीं use किया, right? With as well as. When the subject consists of two nouns or pronouns joined with or as well as, the verb agrees with the first of them. तो जब कभी क्या होता है कि हमारे sentence में with या as well as से कोई subject जुड़ा हो, साथ में subject के साथ कोई और words जुड़े हो, तो वो words हमारा subject नहीं होते. जो with या as well as से पहले आते हैं वो हमारा subject होता है, right? जैसे the captain with the players is present in the ground. So हमारा subject क्या है? The captain है. With the players नहीं है. Basically हम the captain के बारे में बात कर रहे हैं, right? तो उसके according हमने यहाँ पे is helping verb fill करी है. All the players as well as the captain are present in the ground. So basically now we are here talking about the all the players, not specially the captain. So our main subject is that all the players. So all the players, that is plural. So that's why we have mentioned here are. Right. Next. Each, either, neither, everyone, one of the. Each, either, neither, everyone, one of the. Take a singular verb. तो ये जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं ये बेसिकली हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन या वन ऑफ द. तो जब इनके साथ वर्ब फिल की जाएगी तो वो सिंगुलर वर्ब फिल की जाएगी, राइट? जैसे ईच ऑफ दीज सिस्टर्स सिंग्स वेल. सो ईच वी हैव टोल्ड यू दैट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फिल द सिंगुलर वर्ब. दिस इज द सिंगुलर वर्ब. ईदर ऑफ टू कैंडिडेट्स इज परफेक्ट फॉर द जॉब. दोनों में से कोई एक कैंडिडेट इस जॉब के लिए परफेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू ईदर वी हैव मेंशनड हियर इज. नीदर ऑफ टू प्लान्स इज सुटेबल. दोनों में से कोई एक भी प्लान सुटेबल नहीं है. सो नीदर भी हमारा क्या होता है? इज मींस लाइक सिंगुलर होता है, उसके साथ हमने इज मेंशन करना है. एवरीवन नोज द सीक्रेट नाउ. हर कोई उस सीक्रेट को जानता है. वन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय हैज हेल्प मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. उनमें से कोई एक एम्प्लॉय ने मेरी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प किया. तो इन सारे वर्ड्स के साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें सिंगुलर वर्ब मेंशन करनी है. नेक्स्ट पॉइंट, ईदर और नीदर नोर. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद ईदर और नीदर नोर, द वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट. तो कभी कभी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ईदर और नीदर नोर के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस में यूज करते हैं. ईदर और नीदर नोर, इधर और को यूज करते हैं बेसिकली या तो या के मीनिंग के लिए, और नीदर नोर को यूज करते हैं बेसिकली हम ना तो ना के मीनिंग के लिए. जैसे इधर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज वर टेलिंग अ लाई. तो या तो मैनेजर या फिर एम्प्लॉयज झूठ बोल रहे हैं. तो हमें वर्ब कौन सी किसके अकॉर्डिंग फिल करनी है, इधर द मैनेजर के अकॉर्डिंग या एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग? तो इस कंडीशन में जब इधर और या नीदर नोर से कोई सब्जेक्ट बनाते हैं तो जो वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है वह हमें यहाँ पे वोज या वर्ब फिल करना है, उसके सबसे पास कौन सा है? द एम्प्लॉयज. द एम्प्लॉयज क्या है? प्लूरल है. दैट्स व्हाई वी नीड टू हियर मेंशन हियर वर्ब, राइट? नीदर द मून नोर द स्टार्स आर शाइनिंग टूडे. तो ना तो मून और ना ही स्टार्स शाइन कर रहे हैं. तो जो आर हमने फिल करना है उसके सबसे पास वाले वो सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? द स्टार्स है. स्टार्स के हैं प्लूरल है, तो उसको हमने आर फिल कर दिया, राइट? तो जब कभी इधर और या नीदर और से हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट विच इज नियर द वर्ब वी नीड टू फिल द वर्ब, राइट? नेक्स्ट, मच एंड अ लिटल. मच एंड लिटल टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो मच और लिटल होते हैं वो बेसिकली सिंगुलर वर्ब लेते हैं. जैसे मच हैज ऑलरेडी बीन सेड, ओनली अ लिटल ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. तो मच और अ लिटल होते हैं वो सिंगुलर में काउंट होते हैं, तो उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब फिल करनी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ. ये सभी क्या होते हैं? हमारे प्लूरल वर्ब होती हैं. जैसे मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, अ फ्यू ऑफ दीज हाउसेस आर स्टिल वेकेंट, several of the shops are closed today, both of the guests have arrived. So these verbs are counted in the plural form. So according to this understanding, dear student, you have to do exercise number 1, exercise number 2, and
Now that's completed. So these two exercises you have to do, exercise number one and exercise number two, right? So now if you want to ask any question, then you can ask. If you have doubt, any question you want to ask, then you can ask.